सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज तुरंत पाने के लिए। आरटीई में कक्षा एक से होगी एंट्री, 9 जुलाई से शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन, टाइम फ्रेम हुआ घोषित। कक्षा पांचवी की परीक्षा मिलेगा प्रतिष्ठित निजी विद्यालयों में मौका। इग्नू में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ, अंतिम तिथि है 31 जुलाई। ऑनलाइन कक्षाओं को लेकर गाइडलाइन जारी करने के हुए आदेश, पुरानी पेंशन पर हाईकोर्ट ने मांगा सरकार से जवाब। ऑनलाइन शिक्षा पर सरकार के जवाब से प्राधिकरण संतुष्ट नहीं है। कोरोना की मार खस्ता हाल, रेलवे ने नई भर्तियों पर लगाई है रोक। जी हां दोस्तों, बात करें अपनी पहली खबर की, तो ऑनलाइन कक्षाओं को लेकर गाइडलाइन जारी करने के आदेश हुए हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर, जिला बाल अधिकारी विभाग और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को निर्देश दिए हैं कि वह ऑनलाइन कक्षाओं को लेकर और फीस के संबंध में जल्द ही उचित गाइडलाइन जारी करें। इसके साथ ही प्राधिकरण ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को लेकर दोनों विभागों को बाल हित में कठोर कदम उठाने के लिए भी निर्देश दिए। बात करें अपने लिए खबरें, तो ऑनलाइन शिक्षा से के सरकार के जवाब से प्राधिकरण संतुष्ट नहीं है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर जिला ने बाल अधिकारिता विभाग और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को निर्देश दिए कि वह जल्द ही ऑनलाइन कक्षाओं के संबंध में जल्द ही उचित गाइडलाइन जारी करे। इसके साथ ही प्राधिकरण ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को लेकर दोनों विभागों को बाल हित में कठोर कदम उठाने को कहा है। इसके साथ ही प्राधिकरण ने प्रदेश स्तर पर उचित कार्रवाई के लिए प्रकरण को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजा है। जिला प्राधिकरण ने सभी निजी स्कूलों में बुक बैंक स्थापित करने के लिए राज्य सरकार की ओर से जरूरी दिशा निर्देश जारी करने की जरूरत बताई है। बात करें अपनी अगली खबर की, तो कोरोना की मार है खस्ता हाल, रेलवे ने नई भर्तियों पर लगाई है रोक। खत्म किए 50% पद, सिर्फ सुरक्षा संबंधी पदों में से 50% ही भरे जाएंगे। परिचालन में निजी भागीदारी सिर्फ 5%, रेलवे बोर्ड अध्यक्ष करेंगे। बात करें अगली खबर की, तो पुरानी पेंशन पर हाईकोर्ट ने मांगा है जवाब। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने प्रबोधकों को नई पेंशन के स्थान पर पुरानी पेंशन में शामिल करने हेतु दायर याचिका पर बुधवार को नोटिस जारी कर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। उच्च न्यायालय ने जोधपुर के बलभद्र की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रमुख शिक्षा सचिव, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा सहित शिक्षा, जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हनुमानगढ़ को जवाब तलब किए हेतु नोटिस जारी किया है। इग्नू में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ, अंतिम तिथि है 31 जुलाई। इंदिरा गांधी मुक्त राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में जुलाई में प्रारंभ होने वाले सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इग्नू अध्ययन में केंद्र के में बीए, बीएससी, बीकॉम, स्नातकोत्तर व अन्य व्यावसायिक व रोजगार परक डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स से प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थी इग्नू अध्ययन के केंद्र से कक्षाओं का अध्ययन कर सकते हैं। बता दें कि इग्नू में SC ST कैंडिडेट के लिए 100 कोर्सेज भी फ्री है। दोस्तों, आप भी अपने घर अपने बच्चे को निजी विद्यालय में मुफ्त RTE के तहत पढ़ाना चाहते हैं, आपके कोई नज़दीकी रिश्तेदार पड़ोसी है उसको RTE के तहत दाखिला दिलवाना चाहते हैं, तो 9 जुलाई से शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन, टाइम फ्रेम हो गया है घोषित। RTE में कक्षा एक से होगी एंट्री। गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के अधिकार में निजी स्कूलों में आवंटित होने वाली 25% सीटों में ऑनलाइन आवेदन 9 जुलाई से शुरू हो जाएंगे। राज्य सरकार ने इसके लिए टाइम फ्रेम जारी कर दिया है। जारी किए गए नए टाइम फ्रेम में इस बात का खास बात यह है कि निजी सभी स्कूलों में एंट्री कक्षा एक होगी। पूर्व में एंट्री कक्षा अलग अलग हुआ करती थी। कक्षा पांचवी तथा इससे अधिक की कक्षाओं तक कर्मोन्नत स्टूडेंट को 25% निःशुल्क प्रवेश देना होगा। इसके आयु 5 वर्ष या उससे अधिक होगी लेकिन 7 वर्ष से कम होगी। कैचमेंट नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, ग्रामीण से संबंधित पंचायत होगी। इस वर्ष संपूर्ण प्रवेश प्रक्रिया गत सत्र 19-20 के अनुरूप ही वार्ड परिसीमन प्रभावी रहेगी। इस प्रक्रिया में वर्तमान में प्रवेशित बालक भविष्य में वार्ड बदलने पर भी उनका प्रवेश बदलाव के कारण निरस्त नहीं होगा। आय सीमा 2.5 लाख निर्धारित की गई है। इसके लिए विभाग को सक्षम अधिकारी से जारी किया गया प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। इस बार आवेदन के लिए टाइम फ्रेम करीब 3 माह देरी से हुआ है। देरी का कारण COVID-19 का संक्रमण रहा है, क्योंकि बीच में कोरोना के चलते लॉकडाउन लग गया। इसके कारण राज्य के कार्यालय बंद रहने के आदेश थे, ऐसे में टाइम फ्रेम नहीं घोषित हो गया। सही मोबाइल नंबर दर्ज करें। अभिभावकों को ऑनलाइन आवेदन करने के बाद एप्लीकेशन ID प्राप्त होगी, इसके लिए मोबाइल नंबर आवश्यक है। साथ ही मोबाइल सही और क्रियाशील होने चाहिए, अपनी समस्त सूचनाओं को भरना होगा। इसमें बालक के पिता का नाम समेत समस्त सूचना सावधानीपूर्वक प्रविष्ट करनी होगी। अब बता देते हैं आपको RTI का टाइम फ्रेम क्या है। 2 जुलाई 2020 से तो विज्ञापन जारी होगा। 8 जुलाई 2020 को विद्यालय प्रोफाइल अपडेट करना है। 8 जुलाई से 24 जुलाई अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करना। आप विशेष ये बात ख्याल रखें, 8 जुलाई की 8 जुलाई से 24 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन आपको करना है। 30 जुलाई 2020 को ऑनलाइन लॉटरी द्वारा बालकों की वरीयता क्रम का निर्धारण होगा। 7 अगस्त 2020 अभिभावकों का द्वारा लॉटरी उपरांत इच्छुक
विद्यालय में उपस्थित होकर प्रवेश के लिए रिपोर्ट करना। 7 अगस्त 2020 बालकों का विद्यालय में प्रवेश होगा। 7 अगस्त से 31 अगस्त तक निःशुल्क बालकों में एवं शेष 75% सीट पर प्रवेश बालकों की वेब पोर्टल पर एंट्री होगी। बात करें अपने अंतिम खबर की तो 5वीं पास की परीक्षा मिलेगा प्रतिष्ठित निजी विद्यालय में मौका। विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में विद्यार्थियों को मिलेगा निःशुल्क प्रवेश। लॉकडाउन के कारण व्यापार धंधे बंद पड़े हैं। अभिभावकों के सामने स्कूलों की फीस और पढ़ाई का खर्च वहन करना गंभीर समस्या बना हुआ है। ऐसे में राज्य सरकार ने विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अनुसूचित जाति जनजाति के मेधावी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित हो सकती है। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शिक्षा विभागीय योजना के तहत कक्षा 5वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके बाद आवेदक विद्यार्थियों की परीक्षा ली जाएगी। इसमें चयनित विद्यार्थियों को विभाग की ओर से निर्धारित प्रतिष्ठित निजी विद्यालय में कक्षा 6 से 12 तक निःशुल्क पढ़ाई का मौका दिया जाएगा। और इसमें CBSE और RBC दोनों बोर्ड के लिए सुविधा दे रखी है। हर बच्चे पर 3.5 लाख रुपए का खर्च होगा। चयन के लिए पात्रता है कि परीक्षा में शामिल होने के लिए विद्यार्थी राजस्थान का मूल निवासी होना जरूरी है। साथ ही समय का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बच्चे ने 5वीं कक्षा उत्तीर्ण सी ग्रेड से उत्तीर्ण होना चाहिए। न्यूनतम सी ग्रेड है। आवेदक के माता पिता की दोनों से अधिक संतान नहीं होनी चाहिए, यानी 2 से अधिक संतान नहीं होनी चाहिए। आवेदन करने वाले विद्यार्थी को माता पिता का आयकर दाता नहीं होने चाहिए। चयन होने के बाद भी 12वीं कक्षा तक सुविधा का लाभ लेने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक कक्षा में कम से कम सी ग्रेड से उत्तीर्ण होना जरूरी है। इस योजना में चयन होने पर माता पिता छात्र छात्रा को नियमानुसार गुणात्मक शिक्षा, स्वस्थ आवास, बिस्तर, भोजन, पोशाक, पाठ्य पुस्तकें, लेखन सामग्री आदि सुविधाएं मुफ्त में मिलेगी। इसके लिए निजी विद्यालय को अधिकतम 50,000 रुपये वार्षिक अर्थात 7 से 7 साल में 3.5 लाख रुपए विद्यालय की ओर से व्यय की गई वास्तविक राशि में जो भी कम हो पुनर्भरण विभाग की ओर से किया जाएगा। 6ठी से 12वीं तक की पढ़ाई के लिए विद्यार्थियों को किसी भी तरह की राशि का भुगतान विद्यालय को नहीं करना है। तो दोस्तों ये थी मुख्य खबर जो आज मैंने आपको बताई। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं। एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने